एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जानीकुर्द में स्थित चोबला गांव पड़ा। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 5 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान राजीव कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1200 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 65 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय की शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए 20 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से दरकार है। वहीं विद्युत आपूर्ति के लिए 17 विद्युत पोल, 15 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सौर ऊर्जा लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि से 3 सीसी टाइल्स रोड, 76 शौचालय, स्कूल की बाउंड्री निर्माण के साथ साथ गाँव में सफाई व्यवस्था के लिए कूड़ेदान भी लगवाए हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में 25 शौचालय, 20 सौर ऊर्जा लाइट, पंचायत घर, बारात घर, खेल के मैदान, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान चोपड़ा राजीव कुमार, जिला उजैनी, थाना जैनी, जिला मेरठ। जरूरत है लाइटों की, 20 लाइट, 10 सोलर, 10 ये नलके, पंचायत घर, और ग्राउंड, खेल का मैदान, स्वास्थ्य विभाग। मैं ग्राम निवासी चौबले से हूँ। हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने हमारे गांव में 2-3 रास्ते बनवाए हैं, और जी जिन घर में शौचालय की सुविधा नहीं थी उन्हें शौचालय की सुविधा दी है। और हमारे गांव में अभी बहुत सारी जरूरत की आवश्यकताएँ हैं जिनमें पंचायत घर है, कुछ शौचालय और बनने हैं, कुछ लाइटों की ज़रूरत है, और जी स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी और पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा अगर उनसे कुछ मदद मिल जाए तो उसमें और आसानी हो जाएगी। हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है, तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि इन सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।